नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेमोक्रेसी न्यूज सर्विस में। आज बात करेंगे भारत में एक और भारत की अर्थव्यवस्था में आए एक और बड़े भूचाल की, जो कि स्टेरलिंग बायोटेक के चेयरमैन के द्वारा आया, जिसका नाम है नितिन सांडेसरा, जिसको कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी बिजनेसमैन माना जाता है। ईडी और सीबीआई ने आज छापेमारी के दौरान ये पाया कि नितिन सांडेसरा 5,000 करोड़ का बैंक घोटाला करके नाइजीरिया में अपने परिवार के साथ वहां की सिटीजनशिप ले चुका है। तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या के बाद ये भारत का और एक नया बड़ा घोटाला उभर के सामने आया है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और सपने ये दिखाए गए थे नोटबंदी के टाइम कि भारत का काला धन जो है कि वापस आएगा और अर्थव्यवस्था में नया सुधार आएगा, लेकिन उसके बावजूद देश का धन खुद ही बाहर चला गया और बैंक कंगाल हो गए। आगे की रिपोर्ट के लिए देखते रहे डेमोक्रेसी न्यूज़ सर्विस।